बुलेटिन में कुछ खास और बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी है। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर और स्मारक की दीवारों पर उनकी दोहे और उनकी शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा। भक्ति निवास के साथ कई अन्य चीज़ें भी इसमें शामिल हैं जो कि इसमें बनने वाली है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सागर के लिए आज सौभाग्य का दिन है। संत रविदास का मंदिर बनने वाला है। कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, यह सभी संत रविदास जी ने हमको शिक्षा दी है, हमें सिखाया है। इसका संदेश देने वाले महान संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर यह भव्य स्मारक और मंदिर बनने वाला है। विकास के अनेकों काम, आज भी रेल लाइन का दोहरीकरण, 2,500 करोड़ की सड़कें, लेकिन और मैं प्रसन्नता का समाचार आपको दे रहा हूं, इसका लोकार्पण तो आज होगा, लेकिन बुंदेलखंड वासियों, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए हैं जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। बीना में पेट्रोकेमिकल्स, बिना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद पर 50,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप भी तालियां बजा के अभिनंदन करें। इसी बुंदेलखंड की धरा पर कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। बुंदेलखंड की धरती पंजाब और हरियाणा को मात करेगी। 44,000 करोड़ रुपए की योजना का उपहार प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट वर सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी।